नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने आज पूरे हो गए हैं। अपने विरोध को और तेज करते हुए किसान आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। शनिवार को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, सीधी सीधी बात है, हम सत्याग्रही किसानों के साथ हैं। आपको बता दें, आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर किसानों की तादाद एक बार फिर से सड़कों पर बढ़ गई है। किसान आज ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं। भारतीय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के मुताबिक 25 लाख किसान और 4 लाख ट्रैक्टर आंदोलन में शामिल हैं। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा पुख्ता कर दी है। किसान आज देश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपालों को ज्ञापन सौंपेंगे। गौरतलब है कि केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनकारी किसान पिछले साल 26 नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। वो इन 3 कानूनों को रद्द करने और फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए एक नया कानून लाने की मांग कर रहे हैं। वहीं इन विवादास्पद कानूनों पर बने गतिरोध को लेकर किसानों और सरकार के बीच कई दौर की वार्ता हुई, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही और गतिरोध बरकरार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।